और जोहर? जो सती और जोहर की परिभाषा जो है वो मेरे विचार से भी वो नहीं समझे हैं, और उन्होंने जो ये एक बात बोली है वो आज के युग में तो बहुत ही खतरनाक बोल दिया उन्होंने कि हम बच्चियों को जौहर के बारे में जो शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। मैं आज के युग में आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में ये शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कि हर बच्चे को जोड़े और करांटे सिखाए जाए, वो स्वाभिमानी बने, आत्मरक्षा कर सके, अपने आप की रक्षा कर सकते, हमारे देश के जो है शत्रुत्व का रक्षा कर सके। उसके विपरीत ये बोल रहे हैं कि हम उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, तो क्या ये कराना चाहते हैं कि वो हर कहीं हर मौके पे समर्पित कर दे? यही है कि एक बार ज्ञापन दे दिया जाएगा, उसके बाद अगर उस पर अमल नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन सर समाज के साथ मिलकर। जौहर है वो एक आत्म बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है, उस उदाहरण से लोगों को प्रेरणा मिलती है, स्वाभिमान का ज्ञान मिलता है, देश की रक्षा का उसका ज्ञान मिलता है। ऐसी अध्याय को या ऐसे चित्र को हटा देना एक नासमझी की बात मैं कह सकता हूँ, और जौहर स्मृति संस्थान इस काम के रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके लिए हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो वो करेंगे, और पूरा सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं पूरा समाज इसके लिए कटिबद्ध है, और इस तरह की किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम या ऐतिहासिक उसको छेड़छाड़ की गई तो उसके लिए पूरा समाज आंदोलित होगा। जो शिक्षा मंत्री है उन्हीं को शिक्षा की जरूरत है, शायद वो ऐसे शिक्षा मंत्री मानती हूँ मैं उनको, जौहर सत्यत्व की रक्षा के लिए किया गया है और उसको मिटाना चाहते हैं, जिसकी जौहर की तस्वीर देखकर एक कभी मन नहीं भरता, हर एक को बार बार उस तस्वीर को ही देखने का मन करता है और उस चीज़ को हटाने की बात करते हैं, ये बहुत ही गलत निर्णय लिया है उन्होंने। पहले तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा राज्य मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान ही नहीं है। आज हम ये कहें कि आज देश में जो शहीद हो रहे हैं, कल आप तो ये कह दोगे कि साहब ये शहीद शब्द ही गलत हो गया। तो सत्यत्व और जो जौहर है वो एक हमारे इतिहास के साथ में इतना बड़ा जुड़ाव है, जिसके कारण आज बड़ी हमारी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ये अध्याय और ये ज्ञान के लिए और ये जो मेले हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारा यही प्रयास है कि भाई हम हमारी संस्कृति को जीवंत रखें, और उसके साथ जो हमारे इतिहास के साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ होगी तो उसके लिए सर्व समाज कभी इसे किसी को माफ़ नहीं करेगा, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो लोग हम सब लोग मिलकर करेंगे।